और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह का। राजन, जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी संख्या, शहीद होने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, आपके पास क्या ताजा जानकारी? देखिए, नया जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 24 जवान शहीद हुए हैं, 6 जवान गंभीर रूप से घायल हैं और जिनको इलाज के लिए छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि 7 जवान अब भी मिसिंग है, जिसमें ये 74वीं बटालियन का जो कंपनी कमांडर है उसके बारे में भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली। हालांकि 99 जवान इस पूरी कंपनी में थे, बाकी लौटकर कैंप में लौट चुके हैं, लेकिन जो 7 जवान मिसिंग है उसमें कंपनी कमांडर के गायब होने की भी बात कही जा रही है। और यही चिंता का विषय है कि जिस तरीके से वो गायब है तो आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि इन नक्सलियों ने इन्हें अगवा तो नहीं कर लिया है, और इसके लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाने की बात कही जा रही है। और सीआरपीएफ के डीजी कल जब वहां पर पहुंचेंगे तो आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाए उस पर जोर दिया जाएगा। कोबरा बटालियन की अतिरिक्त टुकड़ी वहां पर रवाना कर दी गई है और कल ही गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर भी वहां पर पहुंचेंगे। तो राजन, ये बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि 7 जवान अब भी गायब है, मतलब उनके वेयरअबाउट्स का पता नहीं चल पा रहा, जिसमें कंपनी कमांडर भी आपको बता दें शामिल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री से एबीपी न्यूज ने बात की है और जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो 7 जवान हैं वो अब भी लापता हैं, उनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। कंपनी कमांडर, जैसा कि राजन सिंह जानकारी दे रहे थे, वो भी नहीं, उनके वेयरअबाउट्स का उनका जानकारी नहीं पता लग पा रही है कि वो कहाँ है। तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं नक्सलियों ने इन 7 जवानों को अगवा तो नहीं कर लिया है। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री का इस बड़ी नक्सली हिंसा पर, इस नक्सली हमले पर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। सुकमा नक्सली हमले पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमर अग्रवाल से। सर, एक के बाद एक हमले, 12 जवान शहीद हो गए हैं और कई जवान घायल हैं। जवान शहीद हुए हैं, ये हमारे लिए दुखद घटना है। और नक्सलवाद से जब हम लड़ रहे हैं, ऐसी घटना होती है तो हमारा के लिए और देश के लिए भी ये दुखदाई है। और हमारी कोशिश भी है निरंतर कि नक्सलवाद को समाप्त करें, और उसमें हमारे जवानों ने सफलता भी पाई है, लेकिन 12 जवानों को खोए जाने का हमको दुख है। दुख है सर, इसीलिए सरकार से सवाल भी है कि अभी मार्च में भी एक बड़ी वारदात हुई थी, फिर ये वारदात हो गई, आखिर राज्य की जो गुप्तचर एजेंसी है वो क्या कर रही है, सरकार का मंत्रालय क्या कर रहा है कि हम अपने जवान भी अब हमारे जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे? नहीं, निरंतर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आती है और निरंतर हमारी जो एक जॉइंट स्टेट के साथ रहती है वो सब बैठते भी हैं, लेकिन उस पर उसके बाद भी घटनाएं होती हैं और उसका दुख है। ये सिलसिला कब था? तो ये अब से थोड़ी देर पहले जैनेन्द्र ने बात की थी छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री से, और अब जो सीआरपीएफ के जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनकी संख्या 24 तक पहुंच गई है, 6 घायल बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर यह भी है कि 7 जवान अभी गायब हैं, वो लापता हैं, ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहां हैं, जिनमें कंपनी कमांडर भी शामिल है। ये तस्वीर अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के रायपुर की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अस्पताल में जो घायल जवान हैं उन्हें लाया गया। 6 जवान जो कि गंभीर रूप से जख्मी हुए, इन जवानों ने बताया कि किस तरह से जब इनकी रोड ओपनिंग पार्टी आगे बढ़ रही थी उस दौरान इन पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में क्या हुआ है ये भी लगातार हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे नीचे की पट्टी में दिखा रहे हैं कि 7 जवानों का अब तक पता नहीं चला है, जिनमें कंपनी कमांडर भी शामिल हैं, ये लापता बताए जा रहे हैं। ये बहुत एक दुखद घटना हुआ है, तो उसको रिएक्शन तभी देंगे जब पूरा जानकारी प्राप्त होगा। तो क्या कोई खुफिया जानकारी नहीं थी? तो गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, एक तरह से नहीं कुछ इस पर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले पूरी जानकारी वो जुटा ले। हालांकि सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो 7 जवान मिसिंग हैं, जो लापता हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है, इंटेलिजेंस के स्तर पर क्या कोई चूक हो गई। लेकिन आपको बड़ी खबर हम दे दें, ये बड़ा नक्सली हमला है छत्तीसगढ़ में इस साल का कम से कम सबसे बड़ा, 24 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए हैं इसमें, बेहद दुखद खबर, 6 इसमें घायल हैं और 7 जवान जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।